फ्रेंड्स, त्योहारों के दिन यानी कि कुछ अच्छा बनाने, खाने और खिलाने के दिन, जैसे कि सभी जानते हैं होली आने वाली है। होली के लिए हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं, तो आज मैं आप लोगों के साथ होली पर बनाने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, ज़बरदस्त और शाही थाली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें हम दो सूखी सब्जी बनाएंगे, दो रेशे की सब्जी बनाएंगे, दो तरीके के एकदम नए से रायते बनाएंगे, और जो स्वीट बनाएंगे ना फ्रेंड्स, खाने में टेस्टी है, मात्र 4 से 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, टेस्ट ज़बरदस्त करती है। साथ ही दो तरीके की चटनियाँ बनाएंगे तो लगेगी बहुत सारी मेहनत, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहता है, वीडियो बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही झटपट से ये होली स्पेशल थाली बनाना स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस थाली में हम बनाने वाले हैं पनीर लबाबदार, और पनीर लबाबदार बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम जितना पनीर लिया है, जिसे एकदम मोटे मोटे क्यूब में कट कर लिया है, और साथ ही 250 ग्राम जितना टमाटर ले लिया है और उसे भी बस रफली सा कट कर लिया है। और तो चलिए सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। बस उसके लिए गैस ऑन करी, उसके ऊपर कढ़ाई रखी और कढ़ाई में डाल दिया 1 टेबलस्पून जितना देसी घी। जैसे ही घी गर्म हुआ, 1/2 टीस्पून जीरा डाल दिया। जीरे के साथ ही कुछ खड़े मसाले, जिसमें मैंने 4 लौंग, 4 काली मिर्चें, 1 मोटी इलायची यानी कि जो मोटी वाली इलायची होती है वो, 2 हरी इलायचियाँ और 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का ले लिया है। और इन सब चीज़ों को अच्छे सा भून लेते हैं। और जैसे ही सब चीज़ें बढ़िया सी भुनी, कच्चापन दूर हुआ, अच्छी खुशबू आई, हम इसमें डाल देते हैं ये 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्चें, जिसे मैंने एकदम बारीक पीस कर तैयार किया है। कुछ ये मिश्रण हम अब यूज़ करेंगे और थोड़ा सा हम अदरक हरी मिर्च बाद में भी डालेंगे। और इसका भी कच्चापन दूर हुआ, और ये मैंने डाल दी 1 पिंच जितनी हींग। हींग से सब्जी में बढ़िया टेस्ट आएगा। और अब हम डाल देते हैं वो 250 ग्राम कट किए हुए टमाटर। टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए फ्रेंड्स हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून जितना नमक। और नमक के साथ ही इस सब्जी को रिच टेस्ट देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 15-20 काजू, 1 टेबल स्पून जितना मगज। फ्रेंड्स, अगर आपके पास मगज यानी कि खरबूजे के बीज नहीं है, आप काजू की मात्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल नहीं है, काजू आपको डालने होंगे, तभी ये बनेगा पनीर लबाबदार। और 2-3 टेबल स्पून पानी डालकर हम इसे करीब 5 से 7 मिनट तक कवर करके पकने देंगे, जिससे टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा। और 5 से 7 मिनट हुए, टमाटर सॉफ्ट हो गया, काजू भी सॉफ्ट हो गया, तो बस 1 मिनट और चलाएंगे और उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे पूरी तरह से कूल डाउन कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे पीसना है। और ये देखिए, हमारा ये जो मिक्सचर था एकदम बढ़िया सा ठंडा हो चुका है। गर्म पीसेंगे एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए ठंडा ज़रूर कर लें। और बस इसे मिक्सी के जार में डाला और इसका एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, अगर पेस्ट स्मूथ नहीं हुआ तो आपको छानना पड़ेगा, इसलिए अच्छे से स्मूथ कर लें। खड़े मसाले पसंद नहीं है तो बस जब आप मिश्रण ठंडा करें, खड़े मसालों को हटा दें। और अब उसी कढ़ाई को मैंने फिर से गैस पर रख दिया है और उसमें डाल दिया 2 टेबलस्पून जितना बटर। फ्रेंड्स, बटर नहीं है तो देसी घी डाल सकते हैं। और बटर के साथ ही डाल दी हरी मिर्च और अदरक का थोड़ा सा पेस्ट, जिससे टेस्ट और अच्छा आएगा। जैसे ही अदरक और हरी मिर्च का कच्चापन दूर हुआ, अब हम इसमें डाल देंगे ये एकदम बहुत ही अच्छे से पिसा हुआ मसाला, और उसके बाद हम इसे भूनेंगे, लेकिन साथ ही कुछ मसाले भी डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून जितनी लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून जितनी सूखा धनिया। और बस इन सूखे मसालों को भी हम इसी मसाले के साथ बढ़िया सा भून लेंगे, जब तक कि इसमें से ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता। इसे भूनने में फ्रेंड्स आपको करीब 5 मिनट का समय लग जाएगा। और ये देखिए, मसाला बढ़िया सा भून चुका है, ऑयल रिलीज़ हो गया है, तो अब पानी डाल देते हैं। पहले थोड़ा सा मिक्सी के जार को धोकर डाल देंगे, और जैसे ही मसाले में ये पानी अच्छे से मिक्स हुआ, बहुत ही अच्छा इसमें शाइन आ रही है, तो अब हम इसमें डाल देंगे 50 ग्राम जितना छोटा सा टुकड़ा पनीर का। फ्रेंड्स, ये जो सब्जी होती है बहुत ही रिच टेस्ट की होती है, टेक्सचर बहुत ही क्रीमी होता है, तो टेस्ट भी ज़बरदस्त होता है। इन सब के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून जितनी फ्रेश मलाई, इससे सब्जी में बढ़िया टेस्ट आएगा। अगर मलाई नहीं है तो आप इसमें अमूल की क्रीम डाल सकते हैं, उससे भी बढ़िया टेस्ट करेगी, पर मलाई सभी के यहाँ होती ही है। और बस आपको मलाई डालते हुए ध्यान रखना है कि फ्रेश हो। ये डाल दिया 1/2 कप से कुछ ज़्यादा पानी। फ्रेंड्स, ये जो सब्ज़ी होती है थोड़ी सी गाढ़ी होती है, वरना आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये डाले थोड़ी सी कसूरी मेथी और हरा धनिया,
अच्छे से मिक्स किया और इसे हम करीब 3 से 4 मिनट तक और पकने देंगे। 3 से 4 मिनट हुई, हमारी जो ग्रेवी थी बहुत ही बढ़िया सी पक चुकी है, काफ़ी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है और आप कलर देख सकते हैं क्या बढ़िया है। तो चलिए टेक्सचर भी देख लेते हैं। ये देखिए एकदम क्रीमी टेक्सचर की और बहुत ही स्मूथ सी ग्रेवी तैयार है। तो अब हम इसमें डालेंगे करीब 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना टमाटो केचप। फ्रेंड्स ये सब्जी थोड़ी सी मीठी सी होती है, अगर आप चाहें तो चीनी डाल सकते हैं, लेकिन टमाटो केचप की बात ही अलग है, इससे कलर भी अच्छा आएगा और मिठास भी एकदम बैलेंस रहेगी। तो बस इसके बाद हम इसमें पनीर डाल देंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया ग्रेवी है और एकदम ज़बरदस्त हमारा पनीर लबाबदार तैयार है। पनीर डालने के बाद आप सिर्फ इसे 1 से 1.5 मिनट तक पकाएं, वरना फ्रेंड्स कई बार क्या होता है पनीर चूई हो जाता है। और ये देखिए 1 से 1.5 मिनट हुआ और पनीर बढ़िया सा पक चुका है, हरा धनिया डाल दिया तो हमारी ये पनीर लबाबदार बनकर तैयार है। फ्रेंड्स आज हम थाली में बनाएंगे दही वाली मसाला भिंडी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम जितनी भिंडी ली थी। भिंडी अच्छी क्वालिटी की हो, थोड़ी सी कच्ची हो तो ज़्यादा अच्छी सब्जी बनेगी। भिंडी को अच्छे से साफ़ किया, ऊपर नीचे के डंठल निकाल दिए, बस उसे बीच से इस तरीके से मैंने कट लगा लिया है। जो थोड़ी सी छोटी भिंडियाँ थी उसे मैंने ऐसे ही एक ही पीस में रखा है और जो ज़्यादा बड़ी भिंडियाँ थी उसे 2 पीस में कट कर लिया है। तो बस ये दही वाली भिंडी बनाने के लिए अब मसाला बनाते हैं। 2 टेबल स्पून जितना फ्रेश दही लिया, 1/2 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून जितनी लाल मिर्चें और 1 टेबल स्पून जितना सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जितना नमक डाल देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल, जिससे बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा और काफ़ी अच्छी सी ये बनकर तैयार होंगी। देखिए मसाला तैयार हुआ। अब जो ये कटी हुई भिंडियाँ थी जिसका मैंने सारा एक्स्ट्रा पानी सूखा दिया है वो डाल देंगे और मसाले में भिंडियों को बिल्कुल अच्छे से कोट कर लेंगे। कोट करने में हो सकता है थोड़ा सा समय लगे और ये देखिए मसाला भिंडियों पे बढ़िया सा कोट हो चुका है। तो बस इसे 10 मिनट के लिए साइड से रख देते हैं, जिससे सारे फ्लेवर भिंडी में आ जाएंगे। और ये लीजिए 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब भिंडी बना लेते हैं। दही वाला मसाला अच्छे से कोट हुआ, तो चलिए अब सब्जी बना लेते हैं। उसके लिए गैस ऑन करके उसके ऊपर पैन रख दिया है और पैन में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून जितना सरसों का तेल और तेल को कर लेते हैं स्मोकिंग पॉइंट तक गरम। तेल अच्छे से गरम हुआ, हल्का सा कूल डाउन किया और उसमें डाल दिया 1/2 टीस्पून जितना जीरा। अगर आपको अजवाइन पसंद है आप अजवाइन डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून जितनी कलौंजी डाल दी और साथ ही हम इसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, जिससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और 1 मिनट जितनी हींग डाल दी और इन सब चीज़ों को हल्का सा भून लेते हैं, जिससे सारे फ्लेवर सब्जी में आ जाएंगे। और ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से भून चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक बहुत ही स्पेशल चीज़ और वो है सफ़ेद तिल। फ्रेंड्स ये तिल डालने से सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी, काफ़ी अच्छा सा इसमें क्रंच आएगा। तिल को भी भून लिया और अब डाल दिए वो दही मसाला वाली भिंडियाँ। और भिंडी पकने में बहुत ही कम समय लगता है, 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर हम इसे बिना ढके इसी तरीके से लगातार चलाते हुए पकाएंगे, जिससे भिंडी में एक क्रंच आ जाएगा, थोड़ी सी कुरकुरी सी हो जाएंगी और खाने में ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। 3 मिनट तक सब्जी को मैंने हाई फ्लेम पर बिना ढके पका लिया है। भिंडी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, तो बस अब पैन का ढक्कन लगा देंगे और 4 से 5 मिनट तक हम इसे ऐसे ही पकने देंगे। 4 से 5 मिनट में ही फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि भिंडी पककर तैयार हो गई है। ओवरऑल भिंडी को पकने में सिर्फ 7 से 8 मिनट का समय लगा है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 टीस्पून जितना गर्म मसाला, 1/2 टीस्पून जितना अमचूर पाउडर और बस अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी हमारी भिंडी बनकर तैयार हो गई हैं। दही वाली भिंडियाँ हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और ये लीजिए सर्व भी कर दिया और डाल दिया हरा धनिया। इस सब्जी को आप पूरी कचौड़ी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कश्मीरी दम आलू की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। इसे बनाने के लिए मैंने 5-6 छोटे छोटे साइज़ के आलू ले लिए हैं। आलूओं को अच्छे से छील लिया है और उसके बाद पानी में डाल दिया है और साथ ही अब मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 चम्मच जितना नमक। और नमक डालने के बाद में हम आलू में हल्का हल्का सा छेद कर लेंगे और 10 मिनट इसे रहने देंगे नमक वाले पानी में। 10 मिनट हुए तो अब आलूओं को पानी से निकाल लेंगे और एक किचन टॉवल पर डालकर इसका सारा एक्स्ट्रा पानी हम सुखा देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अब हम करेंगे इसे डीप फ्राई। पानी रहेगा तो थोड़े से छींटे ज़्यादा आते हैं
और ये लीजिए पानी सूख गया है और इधर मैंने ऑयल को भी गरम कर लिया है और मीडियम गरम ऑयल में हम एक एक करके ये आलू डाल देंगे। फ्रेंड्स साबुत आलू हैं, आलूओं को पकने में थोड़ा सा समय लगेगा। ये मान के चलिए कि 7 से 8 मिनट आपको मीडियम टू लो फ्लेम पर इन्हें सेकने में लग जाएंगे। जब तक आलू अंदर से अच्छा सा सॉफ्ट ना हो जाए, ऊपर से थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर ना आए, तब तक आप आलू को पकाइए, क्योंकि ये जो आलू होते हैं ग्रेवी में जाने के बाद में ज़्यादा नहीं पकते, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और मैंने आलूओं को करीब अब 7 से 8 मिनट तक पका लिया है और आलूओं पे अच्छा सा कलर आ गया है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। नाइफ़ को इंजर्ट किया और बहुत ही ईजीली नाइफ जा रहा है, इसका मतलब आलू अंदर तक बढ़िया सॉफ्ट है। तो बस अब आलूओं को हम डिश आउट कर लेते हैं। ये आलू अगर आप ऐसे भी काट के और चाट मसाला डालकर खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट करेंगे। तो बस अब हम तो बना रहे हैं सब्जी, उसके लिए गैस ऑन करी, कढ़ाई रखी और कढ़ाई में डाल दिया 2 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल और इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जितना जीरा। सब्जी में अच्छी खुशबू के लिए हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी इलायची यानी कि काली इलायची, 4-5 लौंग डाल दी, 4-5 डाल दी काली मिर्चें, साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और 1 पत्ता तेज पत्ते का, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। 1 पिंच जितनी हींग डाल देते हैं और इन सब चीज़ों को हल्का सा भून लेंगे। खड़े मसाले हैं, गरम तेल है, बहुत झटपट से भून के तैयार हो जाएंगे। तो अब साथ ही डाल दिया 2-3 हरी मिर्चें और 1/2 इंच जितना अदरक का टुकड़ा जिसे पेस्ट बनाकर रखा हुआ है। और ये देखिए सब चीज़ों का कच्चापन दूर हुआ। ये मैंने ली करीब 3 टमाटरों की प्यूरी जिसे चॉपर में चला लिया है, वो भी डाल दी और टमाटर को अच्छे से भून लेते हैं। टमाटर फटाफट से भून जाए उसके लिए हम इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून जितना नमक या टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/2 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, साथ ही डाल देंगे 1 टीस्पून जितनी लाल मिर्चें, तीखा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हल्का सा भूना और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जितना सूखा धनिया पाउडर। और अब आ रही है मसाले को भूनने की। फ्रेंड्स मसाला भूनने में आपको करीब 5 मिनट का समय लग जाएगा। जब तक मसाला ऑयल को रिलीज़ ना करे आप जब तक इसे भूनिए, तभी सब्जी में प्रॉपर बढ़िया टेस्ट आएगा। तो बस इसने ऑयल को रिलीज़ किया और सब्जी को थोड़ा सा शाही लुक देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा पनीर का। और देखिए ये थोड़ा सा पनीर डालते ही सब्जी का जो टेक्सचर है वो एकदम चेंज हो गया है, कलर चेंज हो गया है, बहुत ही क्रीमी सी सब्जी लग रही है। तो बस अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून जितना गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जितना अमचूर पाउडर और ये लिया 1 कप जितना पानी, वो भी डाल दिया। दम आलू की सब्जी में पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा क्योंकि आलू है पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बस अब वो हम इसमें तले हुए आलू डाल देते हैं और देखिए आलू एकदम बढ़िया सा सॉफ्ट है। फ्रेंड्स हम बना रहे हैं दम आलू की सब्जी, तो इसे भी हमें दम पे रखना है। उससे पहले थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली, थोड़ा सा डाल दिया हरा धनिया, तो अब इसे दम पे रख देते हैं। दम पे रखने का मतलब है कवर करेंगे और एकदम स्लो गैस पर हम इसे 8 मिनट तक पकने देंगे। और फ्रेंड्स 8 मिनट हुए, ये देखिए सब्जी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है, बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर है और लुक आपको दिखाई दे ही रहा है। तो चलिए सब्जी तैयार है। फ्रेंड्स इस थाली में अब हम बनाएंगे वेज जालफ्रेजी एकदम देसी स्टाइल में, जो कि बहुत ही टेस्टी होगी। तो बस इस देसी स्टाइल में बनी हुई वेज जालफ्रेजी को बनाने के लिए मैंने 1 शिमला मिर्च लिया है और जिसे बस इस तरीके से पतला पतला और लंबा लंबा कट कर लिया है। फ्रेंड्स जालफ्रेजी की खास बात होती है कि उसमें सब्जियां एक ही नाप में और लंबाई में कट की जाती हैं, तो बस इसीलिए मैंने भी ये जो गाजर लिए लंबाई में कट किया है, 1 टमाटर लंबाई में कट किया हुआ और पनीर को भी बस लंबा लंबा कट कर लिया है, 1 आलू लिया है और आलूओं को भी आप देख सकते हैं बस इसी तरीके से कट किया है, साथ ही 2 टमाटरों की प्यूरी ले लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली इस सब्जी को सैलो फ्राई करके बनाया जाता है फ्रेंड्स, परंतु आज मैं इसे डीप फ्राई करके बना रही हूँ जिससे फटाफट बन जाएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो सबसे पहले हम आलूओं को डीप फ्राई करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स इन सब्जियों में जो आलू है उसे ही पकने में ज़्यादा समय लगेगा। तो पहले मैंने डाल दिए आलू, आलूओं को 2 से 2.5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसी तरीके से डीप फ्राई करेंगे और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें गाजर और गाजरों को भी 2-2.5 मिनट तक चलाएंगे। तो इस तरीके से आलूओं को पकते हुए करीब 5 मिनट हो जाएंगे, तो इससे आपकी सब्जी फटाफट बनके तैयार हो जाएगी। अलग अलग अगर आप इसे डीप फ्राई करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। गाजर को 2 मिनट हुए, उसके बाद हमने डाल दी शिमला मिर्चें और शिमला मिर्च को भी हम 2 मिनट ही पकाएंगे।
तो इस तरीके से आपकी सारी सब्जियां बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हो जाएंगी। देखिए सब सब्जियां 80% कुक हो चुकी हैं। तो ये मैंने लिए हैं 2 हरी मिर्चें जिसे लंबाई से ही चीर लिया है। और फ्रेंड्स अब हमारी सभी सब्जियां अच्छे से पक चुकी हैं, बहुत ही अच्छा इनका कलर लग रहा है। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। बस एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया। आप चाहें तो फ्रेंड्स पनीर को भी डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन कई बार पनीर तलने से चूई हो जाता है, इसलिए मैं इसे तल नहीं रही हूँ। तो बस अब सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन करिए, उसके ऊपर कढ़ाई रखिए और इसमें हम डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हुआ उसके बाद हल्का सा हम इसे ठंडा कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून जितना जीरा। जीरे के साथ ही कुछ खड़े मसाले डालेंगे जिसमें 4 काली मिर्चें, 4 मैंने लौंग ले ली हैं, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और 1 पत्ता तेज पत्ते का। फ्रेंड्स इन खड़े मसालों का जो अरोमा है वो सब्जी में आएगा और सब्जी का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जितना बटर, और बटर का जो टेस्ट आने वाला है ना सब्जी में ज़बरदस्त आने वाला है। बस अब हम इसमें डाल देते हैं ये अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और इन सब चीज़ों का अच्छा सा कच्चापन दूर कर लेते हैं। जैसे ही कच्चापन दूर हुआ अब हम इसमें डालेंगे कुछ और मसाले, जिसमें लिए लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून जितना, सूखा धनिया। और मसाले बढ़िया से भुन चुके हैं और देखिए क्या बढ़िया इसका कलर आ रहा है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर का पेस्ट, जिसे कि हमने पहले से बनाकर रखा है। 2-3 टमाटर थे जिसे मिक्सी में चला लिया है और एकदम बारीक इसका पेस्ट बनाया है, जिससे सब्जियों पर ये जो मसाला है बहुत ही अच्छे से कोट हो जाएगा। और देखिए क्या बढ़िया इसका ग्रेवी का कलर है। तो बस अब हम इसमें वो टमाटर डाल देते हैं जिसे हमने लंबाई से कट करके रखा था। टमाटर जल्दी से कुक हो जाए उसके लिए मैं इसमें डाल दूंगी टेस्ट के हिसाब से नमक। टमाटर हल्का हल्का सॉफ्ट हुआ तो बस अब हम इसमें से ये खड़े मसाले निकाल देंगे, तेज पत्ता निकाल दिया, साथ ही हम ये जो दालचीनी है उसे भी निकाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे ये पनीर, पनीर पे भी मसाला बहुत ही बढ़िया सा कोट कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे ये तली हुई सब्जियां। फ्रेंड्स ये सब्जी झटपट बनकर तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये दालचीनी भी निकाल दी और आप कलर देखिए सब्जी का क्या ज़बरदस्त है। इस सब्जी में एक स्पेशल मसाला गिरता है, वो होता है किचन किंग मसाला, तभी सब्जी का प्रॉपर टेस्ट आता है। होममेड मसाला है और इसमें बड़े अमेजिंग मसाले गिरे हुए हैं, ये भी अच्छे से हम मिला देते हैं। और देखिए सब्जी क्या ज़बरदस्त लग रही है। पूरी कचौड़ी के साथ सर्व करें, रोटी पराठे के साथ सर्व करें, सबके साथ बढ़िया टेस्ट करेगी। ये गई कसूरी मेथी और हरा धनिया, 1/2 टीस्पून जितना गरम मसाला डालेंगे, 1/4 टीस्पून जितना अमचूर पाउडर। और ये लीजिए ज़बरदस्त सब्जी बनकर तैयार है। टेक्सचर बहुत ही बढ़िया है, टेस्ट अमेजिंग है। साथ ही हम बनाएंगे बूंदी का रायता, क्योंकि थाली में अगर रायता ना हो तो थाली पूरी नहीं होती। तो बस उसे बनाने के लिए 1 कप जितना घर का जमा हुआ एकदम गाढ़ा और फ्रेश दही ले लिया है। दही के साथ ही हम डाल देंगे 1 कप जितना पानी। अगर दही थोड़ा खट्टा है तो आप दूध डाल सकते हैं, उससे रायता एकदम बैलेंस हो जाएगा। दोनों चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड किया और 1/2 कप जितनी बूंदी डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप बूंदी को हल्के गर्म पानी में भिगोइए, उसके बाद डालिए, अगर वरना आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। दोनों को मिक्स किया और अब हम इसमें डालेंगे खूब सारा हरा धनिया, जिससे रायता बहुत ही बढ़िया टेस्ट करेगा, अच्छी खुशबू आएगी। और ये लिया रायता मसाला। इस मसाले में वो सारे मसाले हैं जिसके बाद आपको कोई और मसाला डालने की ज़रूरत ही नहीं है। और इस रायते मसाले का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये गया टेस्ट के हिसाब से नमक। और ये देखिए सेकेंडों में ही हमारा बहुत ही टेस्टी बूंदी का रायता बनकर तैयार है। ढककर रख देते हैं। इसके बाद बनाएंगे फ्रेंड्स हम बहुत ही स्पेशल रायता। तो उसे बनाने के लिए मैंने ये ले लिया है 1 कप जितना घर का जमा हुआ एकदम फ्रेश और गाढ़ा दही, जिसे बड़े से मिक्सिंग बाउल के अंदर किया। और इसमें हम डालेंगे अमूल की क्रीम, जितना बड़ा इस टिन में आता है उसका जस्ट 1/2 डाल देंगे, यानी कि 125 ग्राम हम इसमें ये फ्रेश क्रीम डाल देंगे। फ्रेंड्स आप चाहें तो मलाई डाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये जो रायता होता है थोड़ा सा हैवी हो जाता है और ये लो फैट होती है, इसलिए रायते का टेक्सचर ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर से कर सकते हैं, मिक्सी में डालकर कर सकते हैं, और चाहें इस तरीके से बीटर से कर सकते हैं, रई से कर सकते हैं। बस आपको इसे बिल्कुल अच्छा स्मूथ करना है, जिससे क्रीम जैसा एकदम टेक्सचर आएगा। और ये देखिए एकदम बढ़िया सी हमारी
दही की क्रीम तैयार है। तो अब हम इसमें डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा ये जायफल, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, परंतु ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा। और इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए या बैलेंस करने के लिए एक पिंच जितना नमक, इससे ज़्यादा नमक भी नहीं डालना है। और अब मीठा करने के लिए आप इसमें बूरा, तगार, पाउडर शुगर कुछ भी डाल सकते हैं, और अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने इसमें 3 टेबल स्पून डाला है। और अब हम इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट देने के लिए और बहुत ही अच्छी खुशबू के लिए हम डालेंगे इसमें वनीला एसेंस। आप चाहें तो इलायची डाल सकते हैं, और ये लिया बिल्कुल थोड़ा सा येलो फूड कलर, जिससे कलर भी अच्छा आएगा। और आप चाहें तो केसर का यूज कर सकते हैं, उससे भी कलर अच्छा आएगा। और अब हम इसमें डालेंगे फ्रूट। सबसे पहले डाले 1/4 कप जितने संतरे, 1/4 कप जितने ही हरे अंगूर, जिसे एकदम छोटा छोटा कट किया है। और इसी तरीके से 1/4 कप जितना बनाना यानी कि केला ले लिया, 1/4 कप जितने ले लिए एप्पल यानी कि सेब, और ये मैंने लिए हैं ब्लैक अंगूर। फ्रेंड्स, आपके पास जो भी सीजन की फलों और आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं, परंतु फ्रेंड्स इसमें अमरूद और पपीते जैसे फल अच्छे नहीं लगते हैं, केले और अंगूर से भी बनाइए तो भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट करेगा। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कलरफुल सा हमारा रायता तैयार है। टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। ये डाल दिए थोड़ा सा क्रंच देने के लिए एकदम बारीक कट करे हुए काजू, थोड़े से हरे पिस्ते डाल दिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम मिनटों में हमारा बहुत ही बढ़िया दही वाली फ्रूट क्रीम तैयार है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ थाली में शेयर करूंगी ये आलू की मिनी कचौड़ियाँ, जो कि बहुत ही टेस्टी हैं। बस इसे बनाने के लिए मैंने 1.5 कप जितना मैदा ले लिया है, और इस मैदे में हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून जितना नमक, साथ ही 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर। और इसके बाद हम इसका जो मोइन देंगे वो देसी घी के साथ देंगे। मैंने इसमें करीब 40 ग्राम जितना मोइन डाला है। अगर चम्मच से देखते हैं तो 3 टेबल स्पून मैंने इसमें मोइन डाल दिया है। और अगर आप देसी घी के साथ मोइन डालते हैं तो कचौड़ियाँ हों या मठरियाँ हों, ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होती हैं, ऑयल को कम एब्जॉर्ब करती हैं। और उसके बाद मैंने लिया है थोड़ा सा ठंडा पानी, और इससे हम इसका एक सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। ना बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इसे रख देते हैं 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए, और इतने ही हम करेंगे स्टफिंग की तैयारी, क्योंकि हम बना रहे हैं आलू की कचौड़ियाँ। तो बस ये 4 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं, जिसे उबाल लिया है परंतु ओवर कुक नहीं किया है, तो आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। आलू ग्रेड होकर तैयार हुए, अब बारी है मसाले डालने की। पहले डाला टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/2 टीस्पून जितनी लाल मिर्चें, तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून जितना भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/2 टीस्पून ली है दरदरी सौंफ, और ये ली 1/4 टीस्पून जितनी कलौंजी, 1/2 टीस्पून जितना अमचूर पाउडर, और 1/2 टीस्पून जितना ले लिया है चाट मसाला, और ये डाल दिया हरा धनिया, और ये ली थोड़ी सी कसूरी मेथी। आप इसे भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही बनाइए, लेकिन अगर आलू ज़्यादा पानी वाला है तो आपको इसे भूनना होगा। तो देखिए एकदम खिली खिली से स्टफिंग तैयार है, जिसे मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, इससे काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और इधर डो को रखे हुए अब 10 मिनट हो चुके हैं, और मैंने इसे पहले अच्छे से मसला नहीं था, बस इकट्ठा भर किया था। अब हम इसे 1 मिनट तक अच्छे से मसल लेंगे, और उसके बाद हम इसके इस तरीके से इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड करेंगे। फ्रेंड्स, बस जितने हमने स्टफिंग के गोले बनाए हैं उससे कुछ ही बड़े आपको इसके गोले बनाने हैं, तभी आपकी जो कचौड़ियाँ बनेंगी एकदम मस्त सी बनेंगी। बस हाथों में अच्छे से राउंड करेंगे, हथेली पे थोड़ा सा प्रेस करते हुए हम इसे एक कटोरी की शेप दे लेंगे, क्योंकि हम इसे बहुत ही अच्छे से फिल करना है स्टफिंग के साथ में, इसलिए कटोरी एकदम अच्छे से बनानी है। और ये कटोरी बनकर तैयार हुई, स्टफिंग रखी, हल्के हाथ से प्रेस किया, और साइडें उठाते हुए बिल्कुल अच्छे से सील कर लेंगे। और जितनी भी ऊपर एक्स्ट्रा मैदा आती है आप उसे हटा दीजिए, क्योंकि आज हम बनाएंगे गोल वाली कचौड़ियाँ, जो कि देखने में भी अच्छी लगती हैं, खाने में भी टेस्टी होती हैं। और ये देखिए एकदम बढ़िया सी कचौड़ी बनकर तैयार है। अगर आपको गोल कचौड़ी पसंद नहीं है तो आप इसी समय से हल्का सा प्रेस कर सकते हैं, या बेलन से हल्का सा बेल लें, परंतु गोल वाली कचौड़ियाँ बहुत ही बढ़िया लगती हैं देखने में। अगर आप इन्हें होली के अगले दिन भी खाते हैं तो भी बहुत ही बढ़िया लगेंगी। और ये लीजिए कुछ कचौड़ियाँ बनकर तैयार हैं, तो बारी है इन्हें सेकने की। सेकने के लिए ऑयल को गर्म किया, और इसे आपको जो सेकना है एकदम मीडियम गर्म ऑयल में सेकना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर आप इन्हें ना सेकें, वरना कचौड़ियाँ उतनी क्रिस्पी बनकर तैयार नहीं होंगी।
इसे करीब 2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया और उसके बाद हम इसे हल्के हाथों से उलट पलट कर करीब 8 से 9 मिनट तक सेकेंगे और 8-9 मिनट में आपकी जो कचौड़ियाँ बनेंगी वो बहुत ही क्रिस्पी होंगी। अगर आप उसे बहुत बाद में भी खाते हैं तो भी काफ़ी क्रिस्पी सी रहती हैं। 8 से 9 मिनट हुए और हमारी जो कचौड़ियाँ थी बहुत ही बढ़िया सीख चुकी हैं। ऊपरी लेयर एकदम क्रिस्पी सी है और अंदर है बहुत ही मस्त आलू की स्टफिंग। तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब फाइनली हम बनाएंगे पूड़ियाँ, क्योंकि हम बना रहे हैं शाही थाली। और वैसे तो पूड़ियाँ सभी को बनानी आती हैं, परंतु जब बात थाली की आती है तो पूड़ी तो बनानी ही पड़ेंगी। तो बस ये मैंने नॉर्मल आटा ले लिया है, जिसमें थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी सी चीनी डाली और ये डाल दिया थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। फ्रेंड, जो चीनी डाली है उससे हमें पूड़ियों को मीठा नहीं करना है, बस थोड़ी सी चीनी डाल देने से पूड़ियाँ ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होती हैं। और आटा लग के तैयार हुआ, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाकर आटे पे अच्छे से चिकना करके हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे, जिससे आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। और अब आटे को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो बस आटे को हम बाउल से निकाल लेंगे और एक बार अच्छे से आटे को मसल लेंगे। और इसके बाद हम इसकी लोई तोड़कर तैयार करेंगे। जितनी भी बड़ी आपको पूड़ियाँ पसंद हो, थोड़ी सी छोटी या बड़ी, आप इसके पेड़े अपने मन से तोड़ सकते हैं। और बात है पूड़ी बेलने की, फ्लैट सरफेस को चिकना किया और बस इस तरीके से पूड़ी बेल लेंगे। पूड़ी बेलते हुए अगर आप साइडों पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर देते हैं और बीच को हल्का सा मोटा रखते हैं तो पूड़ियाँ ज़्यादा अच्छी फूल कर तैयार होती हैं। अगर पूड़ी कहीं से पतली और कहीं से मोटी है तो पूड़ी उतनी अच्छी नहीं बनती है। पूड़ियों को तलने के लिए मैंने ऑयल को कर लिया है थोड़ा सा हाई गरम, क्योंकि हाई गरम घी में अगर हम पूड़ियों को फ्राई करते हैं तो पूड़ियाँ ज़्यादा अच्छी फूल कर तैयार होती हैं, क्योंकि इनमें अच्छा सा शॉक लगता है। और ये देखिए पूड़ी बहुत ही क्रिस्पी सी बढ़िया सी बनकर तैयार है। और ये जो थोड़ी रेड रेड सी दिख रही है वो इसी वजह से दिख रही है क्योंकि हमने इसमें थोड़ी सी चीनी डाली है, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है और पूड़ियाँ लंबे समय तक थोड़ी सी सॉफ्ट, थोड़ी सी क्रिस्पी सी रहती हैं। तो चलिए अब बारी है प्लेटिंग करने की, क्योंकि अब हो गई हैं पूड़ियाँ भी तैयार। तो चलिए फ्रेंड्स प्लेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले रखी हमने पनीर लबाबदार, भिंडी की दही वाली सब्जी, साथ ही रखी ये जाल फ्रेजी एकदम देसी स्टाइल में, और ये रखे कश्मीरी दम आलू, बूंदी का ज़बरदस्त रायता, ये रखे दही बड़े जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये रखा फ्रूट रायता, एकदम क्रिस्पी करारी पूड़ियाँ, हरे धनिया की चटनी, आलू की गोल मटोल कचौड़ियाँ, और ये है ब्रेड का मीठा जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट करता है। और ये रखी मीठी चटनी जो कि कचौड़ियों के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त थाली। इस थाली में से मैं ये तो नहीं कहती आप सारी चीज़ें ट्राई करें, पर अगर एक दो भी ट्राई करते हैं तो आपको बहुत पसंद आएंगी। और उसके बाद आप मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएंगे कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत थोड़ी भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।